आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone. So the question is, in the following question, the sentence given with the blank to be filled with an appropriate word, select the correct alternative out of which four indicated it by selecting the appropriate option. तो हमें क्या बोला गया, हमें इसमें बोला गया है कि हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें एक जगह पर ब्लैंक है। अब हमें इन चार ऑप्शंस में से देखना है उस ब्लैंक में कौन आ रहा है अप्रोप्रिएट वर्ड जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो हमें दिया हुआ है द चेयरमैन डैश द कंपनी फंड्स सो ही वॉज डिसमिस्ड, कि जो चेयरमैन था उसने क्या कंपनी फंड्स के साथ किया कि उसको हटा दिया गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे जो ऑप्शन जैसे दिए हुए हैं पायरेटेड, मिसप्लेस्ड, misappropriated और फिर antisale। तो जैसे कि हम जानते हैं कि pirated का क्या मतलब होता है, करेंगे तो कॉपी, तो क्या हो सकता है कंपनी के फंड्स को हम कॉपी तो कर नहीं सकते, तो ये तो गलत आंसर हो जाएगा। और फिर दूसरा हमें दिया है misplaced, misplaced का क्या मतलब होता है lost, कि गलती से उससे भूल गए। फिर जो हमारा तीसरा ऑप्शन है misappropriated, अब इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि किसी और के पैसे के साथ खुद ले लेना या उसको ना बताते हुए उस पैसे को गायब कर देना। टेक समवन एल्स मनी, तो किसी और का क्या कर लिया, पैसे को ले लिया, तो ये हो जाता है हमारा मिसअप्रोप्रिएट। तो एंटीसिट का मतलब क्या है, टू ऑफर प्लेजर, तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। क्यों, कि जब उसने फंड्स के साथ क्या फेर बदल करके खुद पैसा ले लिया होगा तभी उसको कंपनी से क्या कर दिया होगा, निकाल दिया होगा। बाकी हमारे ऑप्शन इसके साथ सही थे नहीं बैठ रहे, जैसा हम देख सकते हैं, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।